फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि हम कहीं ट्रिप पे नहीं गए हैं, तो आज चलते हैं फिर चंबा एक्सप्लोर करने। और क्या, और सब बढ़िया? आज की जो जर्नी है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डलहौजी बस स्टैंड से, और यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी पापा का चल रहा है कि अगली सीट में कौन बैठेगा। तो फाइनलाइज होने के बाद माता श्री अगली सीट पे बैठ चुकी हैं और जीत चुकी हैं, जीत का जश्न मनाते हुए। तो गाइज, इसी के साथ हम पैक्ड होते हैं एंड लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम डलहौजी। सो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ गलिवेंट, एक घुमक्कड़ की दुनिया। एंड आज ये घुमक्कड़ आपको लेके जा रहा है शिव भूमि चंबा, जो कि डलहौजी से 52 किलोमीटर है और अराउंड आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है चंबा पहुंचने के लिए। टाइम हम पहुंच चुके हैं बनीखेत, एंड जहां से हम जा रहे हैं दिस इज़ द डलहौजी रोड। और यहां पे आपको 3 डाइवर्जन मिलते हैं, एक जो आपको पठानकोट से नीचे वाला रोड दिख रहे हो वो पठानकोट से आता है, एंड अनदर वन चंबा जहाँ की तरफ हम टर्न ले रहे हैं। चंबा पहुँचने के लिए भी 3 रास्ते हैं, एक बाया खजियार है, एक बाया चमेरा लेकर आप आते हो तो भी आप बाया सलोनी होके आ सकते हैं, एंड द थर्ड रूट इज़ द वन विच आई एम टेकिंग यू थ्रू। तो चंबा आने से पहले पहले आप जो रास्ते और जो डेस्टिनेशन है वो कवर कर सकते हो। रास्ते के बीच में आता है रॉक गार्डन, भलाई माता टेम्पल, अगर आप बाया भलाई होके आ रहे हो, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में डाल दी हुई है। अगर आप बाया खजियार होके आते हो तो देन कैन यू इन्जॉय खजियार ऑल्सो, जिसकी वीडियो भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है, यू कैन वॉच। एंड अगर आप लोग नए आए हो इस चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये घुमक्कड़ आपको यही जगह घुमाता रहे। एंड सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चंबा से आगे भी जाने में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे 84 टेम्पल है, माना जाता है विश्व का सबसे एक मंदिर है जो कि धर्मराज जी का टेम्पल है, पर मरने के बाद आत्मा जो है वो वहीं आती है। बट बेसिकली आज जिस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ चंबा, एंड चंबा में मैं आपको आज जो घुमाने वाला हूँ दैट वुड बी द बेसिक कल्चर ऑफ चंबा। वैसे तो चंबा अपने फेयर एंड फेस्टिवल और कल्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो फिर शुरू करते हैं चंबा सिटी की सैर, और चंबा सिटी आने से पहले जो चीज़ आप कवर कर सकते हो वो है शीतला माता मंदिर। टिल देन यू कैन वॉच द व्यू ऑफ रावी नदी इन द चंबा। इसी जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, इसी ब्रिज के नीचे शीतला माता मंदिर है, और आप जैसे कि रोड पहचान भी सकते हो थोड़ा सा दूर बस स्टैंड से है ये। तो अब यहाँ से अंदर मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, एंड यहाँ से आपको नीचे की तरफ उतरना है, नॉट दैट मच। चलो मैं ले चलता हूँ आपको आशीर्वाद के लिए शीतला माता मंदिर की तरफ। और ये जो मंदिर है ये 18th सेंचुरी का है, एंड माना जाता है कि यहाँ पे सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी, सिर्फ एक स्टैचू होता था शीतला माता जी का। एंड यहाँ पर जो 3 सेपरेट रूम हैं इस टेम्पल में, इन द मिडल ऑफ जो मिडल रूम है यहाँ का, देर इज़ अ स्टैचू ऑफ शीतला माता प्लेस ऑन दैट रूम। ऑन राइट एंड साइड देर इज़ अ स्टैचू ऑफ शेरावाली माता विच इज़ प्लेस ऑन द लेफ्ट एंड साइड। सो नाउ गेटिंग बैक टू वे, सो चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो शीतला माता से 10 से 15 मिनट का ड्राइव करने के बाद वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, एंड हमें वो लेने आए, हम तो पैदल जाएंगे यहाँ से, सो लेट्स हैव वॉक। तो घर पहुँचते ही मेरे मामी जी को उनके एनिवर्सरी की उनको शुभकामनाएं दी, और मैं अलग ही दुनिया में आ चुका था जहाँ पर एक पक्खा ऊपर और एक पक्खा नीचे, दो पक्खों से मैं जी रहा था। और ये एक ठंडा प्याला था जो मुझे रिफ्रेशमेंट देने वाला था, और हम आगे चंबा सैर के लिए निकलने वाले थे। तो थोड़ी सी गपशप करके फिर हम निकलते हैं चंबा के लिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम चंबा टाउन टूर, तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ सबसे पहले चामुंडा माता टेम्पल, और जो वो मंदिर है वो चंबा झुमार रोड पे पड़ता है। एंड आज मामा और मामी की सालगिरह भी थी, एंड आप मानोगे नहीं स्टीरियो बंद था, बट जो म्यूजिक बज रहा था वो ये था, जा जाते कहाँ मिलने सफर याद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे, क्या याद करोगे।
लो जी पहुंच गए। चल भाई उतर। अच्छा गाड़ी इसका मैं लगा दूं। काफी टाइम बाद स्टीरियो बंद करके एक अच्छी आवाज में गाना सुना तो बहुत अच्छा लगा। एंड होपफुली भी हम पहुंच चुके हैं चामुंडा माता टेम्पल। तो यहाँ से मैं आपको ले चलता हूँ चामुंडा माता परिसर की तरफ। ये मंदिर चंबा सिटी से कोई तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है और इस मंदिर में आप 400 से 500 पूड़ियाँ जो है वो से जो चंबा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दिखाई देता है। एंड ये नीचे जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, ये एक पुलिस ग्राउंड है। तो ये करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं मेन चंबा सिटी की तरफ, जहाँ पे मैं और मेरा भाई आपको लेके चलेंगे स्कूटी पे, क्योंकि गाड़ी से अब घर वाले घर जा रहे हैं एंड हम लोग निकल चुके हैं चंबा सिटी की तरफ। तो इसी रोड पर आपको मिलता है भूरी सिंह म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको यहाँ के राजा के ऑर्नामेंट्स और उनके जो वेपन्स हैं वो आपको उस महल में मिलेंगे, उनका वेयर एंड वो सब ज्वेलरी एंड वो सब आपको इस म्यूज़ियम में मिलता है। तो यहाँ से आगे हम आपको लेके जाने वाले हैं अभी लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो आप जैसे ही चंबा सिटी से लक्ष्मी नारायण टेम्पल की तरफ आते हो तो आपको एक गूगल थंब मिलता है, एक पिलर मिलता है जिसके ऊपर गरुड़ जी का स्टैचू है एंड माना जाता है गरुड़ जी जो है वो भगवान विष्णु के वाहन हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे टेंपल की तरफ। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये है आपका श्री लक्ष्मी नारायण टेंपल और इस मंदिर में जो है वो निर्माण राजा साहिल वर्मन ने किया है, जो कि 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ पे मुझे पंडित जी मिले हैं, पहले आशीर्वाद ले लेते हैं और भगवान के आगे मत्था भी टेक लेते हैं। तो ये जो मंदिर है ये शहर का मुख्य मंदिर है, जिसमें 6 मंदिर का समूह है, 3 भगवान शिव के हैं और 3 भगवान विष्णु के। जो मेन टेंपल है इस मंदिर का वो लक्ष्मी नारायण जी का है, जो जिनका जो स्टैचू है वो एक मार्बल और कश्मीरी स्टाइल कार्विंग में बना हुआ है। इस मंदिर की जो टाइमिंग है वो है 5:30 से 12 बजे और शाम के 2 बजे से 8 बजे। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो एक दुर्लभ संगमरमर से बनाई गई है, जिससे विद्या पर्वत से लाया गया। और लोकप्रिय धारणा ये भी है कि राजा साहिल वर्मन ने ये संगमरमर पाने के लिए अपने 8 बेटों की बलि दी थी और अंत में उनके सबसे बड़े पुत्र युक्कर ये संगमरमर ला पाए थे। तो आगे चलते हैं फिर चंबा के शहर के लिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सबसे पुराने मेटल वर्क और वर्कशॉप जो है, कैसा मेटल क्राफ्ट जो है वो चंबा में पाया जाता है। तो सामने जो आप देख रहे हो ये है चंबा थाली, जो कि 1000 साल पुरानी एक कलाकारी है जो कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो करते हैं और ये कस्टमाइज्ड होता है, जो कि हाथों से चीनी और हथौड़ा से इसको बनाया जाता है, जो कि एक ब्रास मेटल के ऊपर बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं और जैसे कि मैंने शॉप पर पता किया तो इनका जो प्राइस है वो कोई 1800 से 2000 के करीब है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राजा का महल है, जिसे रंग महल भी कहा जाता है, जो कि चंबा का एक और मेन अट्रैक्शन है, जिसे अब कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। बट एनीहाउ मैं आपको इसको दूर से दिखा देता हूँ। तो ये वो पौड़ियाँ जो ऊपर जाती हैं एंड ऊपर से कुछ यू हैं जो आप नीचे की तरफ आते हो। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम और आगे चलते हैं शहर के लिए। तो ये वो शॉप है चंबा रुमाल की, जो मुझे बंद मिली, बट आप जैसे कि देख सकते हो चंबा रुमाल नेशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए अवार्ड चयनित किया गया है, जो कि कल की ही अखबार है। ये है चंबा रुमाल, जो कि एक एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, जिसे जब स्टिच किया जाता है तो दोनों तरफ से ये एक जैसा ही दिखता है।
ये चंबा रुमाल मेरे को अपने फ्रेंड के घर पे मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आप इस फोटो पे फ्रेम में देख रहे हैं, ये गद्दी और गद्दन का जोड़ा है, जो कि एक ट्रेडिशनल लोग हैं यहाँ के। और इस रुमाल को बनाने में तकरीबन 1.5 महीना लग जाता है, और इसका जो प्राइस है ये तकरीबन 4,000 से स्टार्ट होता है। तो ये चंबा की बहुत प्रसिद्ध और यूनिक कलाकारी है। तो आगे बढ़ते हैं अब चंबा की सैर के लिए। तो हम आपको दिखाएंगे अब स्पेशल चंबा की चुक। तो ये भी चंबा की बहुत प्रसिद्ध आइटम है, जिसे चंबा चुक कहा जाता है। और इसका जो मूल्य है वो 140 रुपये है। ये जो चुक है वो अदरक लहसुन गलगल के रस तेल मसाले से बनाया जाता है। में 3 तरह के चुक पाए जाते हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहला चुक है वो है जिंजर गार्लिक चुक, और जो दूसरा चुक है वो है ग्रीन चिली चुक, और तीसरा जो मैंने आपको दिखा दिया वो है रेड चिली चुक। तो अब ये सब देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। चंबा का फेमस चौगान। फ्रॉम हेयर यू कैन वॉच द मेसमराइजिंग चंबा। वो है नीचे नया बस स्टैंड, और इस तरफ है रावी नदी। तो जैसे कि मेरे पास तो टाइम की कमी है, इसलिए मैं स्कूटी पे चल रहा हूँ। नहीं तो जब आप चंबा यहाँ रुक रहे हो, एक दिन स्टे करते हो, तो वॉक करना बहुत ही सही रहता है चंबा में। और आप ये जितनी भी डेस्टिनेशन मैंने आपको दिखाई है, बाई वॉकेबल आप जो है वो कवर कर सकते हो। तो थोड़ा सा वॉक हम यहाँ से करेंगे, और आपको ले चलेंगे अब आगे चंबा की सैर के लिए, जहाँ मैं आपको लेके जाऊँगा अब चंबा फेमस चप्पल दिखाने के लिए। तो बढ़ते हैं शॉप में। तो हम पहुंच चुके हैं चंबा चप्पल की शॉप में, और पहले जो सैंपल है वो मुझे उन्होंने दिखाया। तो ये है हैंडमेड चप्पल, जो ये आप सामने देख रहे हो, ये सारा हाथ से बनाया गया है। तो इसके साथ दूसरा जो सैंपल है ये है लेदर मेड चप्पल, और इसके सामने जो आप नक्काशी देख रहे हो बहुत ही सही की गई है इस चप्पल में। तो और भी टाइप के चप्पल जो है इनके पास है यहाँ पर, जैसे कि इन्होंने मुझे बताया ये है हवाई सोल चप्पल, और इसके अलावा अलग जो टाइप के चप्पल है वो है यहाँ पर पंच पत्तू, वी शेप, चांदनी, 3 पत्ती वाली चप्पल, मोजड़ू, 1 पत्ती वाली चप्पल, एंड मेल में आता है जूता, और फीमेल में आती है पन्नी। भाई आपकी शॉप के नाम क्या है? सत्यम चंबा चप्पल। सत्यम चंबा चप्पल, जो कि मेन बाजार में मिल रहा है। फ्रंट ऑफ सेंटर में। शॉप ठीक है ब्रदर। तो मैं आपको ले चलता हूँ चंबा शहर के लिए, जहाँ मैं आपको लेके जाने वाला हूँ बाबा श्री चंद गुरुद्वारा की तरफ। बाबा श्री चंद जो थे उनका जन्म पंजाब में हुआ, और ये गुरु नानक देव जी के बेटे हैं। ये चंबा में सन 1683 में आए, जबकि इनका जन्म सन 1551 में हुआ। ये यहाँ 150 साल तक दर्शन देते रहे, और इनका जो रूप है वो 15 साल के बालक का ही रहा, इसीलिए इनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि या जब ये चंबा आए तब कोई भी पुल जो है वो राजा के द्वारा नहीं बनाया गया था, ताकि कोई भी चंबा ना आ सके। तो इन्होंने शिला पे हाथ रखा और वो शिला उड़कर यहाँ आ गई। आज भी लोग उसकी पूजा करते हैं, और काफ़ी पूजनीय ये जगह है। एक ख़ास बात और भी है कि वो चंबा से वापस नहीं गए। वो 150 साल पूरे जब हो गए तो वो राजा के लोगों के साथ मणिमहेश चले गए, और जब वो वहाँ पहुँच गए उन्होंने उन्हें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, मेरा अब संस्कारिक समय ख़त्म हो गया है। और उसके बाद बाबा जी यहाँ नहीं दिखे। यहाँ पर इसको पोज करके पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे पूरी कहानी लिखी गई है, और दूसरी तरफ लिखी गई है इनके जन्म के बारे में। तो काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ आपको विज़िट करना चाहिए। तो अब हम आगे निकलते हैं चंबा शहर के लिए। तो ब्लॉगिंग का इतना शौक है कि फोन ही गिरा दिया ब्लॉग करते करते, और ये जो दुर्घटना है वो चंबा में घटी, जिसके कारण मेरा ब्लॉग जो है वो यहीं तक ही रहा, और मुझे 3 दिन लग गए फ़ोन ठीक कराने को, और 3 दिन लग गए इसको एडिट करने को। तो कुछ चीज़ें हैं जो चंबा में मैं ब्लॉग नहीं कर पाया, चीज़ें जो रह गई। तो चलो कोई बात नहीं, इस वीडियो में नहीं सही,
अगली वीडियो में ये घुमक्कड़ आपको चंबा की जो बची हुई चीजें, चंबा का जो मैंने आपको सैर कराया वो आपको पसंद आया होगा। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने का, शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का, ताकि आप इस घुमक्कड़ की दुनिया के साथ जुड़े। और आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घुमक्कड़ विदा चाहेगा। सो दिस साइड सौरभ शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।